हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टडी टॉपिक के बारे में। आज हमारा डे 44 है और आज हम जानेंगे इसके बारे में। ये क्या होता है आपको पता है कि अध्ययन करना मतलब क्या कि ज्ञान अर्जित करना। तो देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा कौन कौन सा सेंटेंस है और उसे हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। ये तो आपको पता ही इसका वो मतलब क्या होता है। देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है, जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसे ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। और ये सही बात है। इसका क्या हो जाएगा, एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवॉर्डेड, मतलब कि जैसे ही हमारा परिश्रम होगा उसके अनुसार ही मुझे पुरस्कार दिया जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर, मतलब कि हमारा जो पुरस्कार है वो डिपेंड करता है किस पे, हमारी मेहनत पे, ठीक है, हमारे परिश्रम पे डिपेंड करता है ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रीड, विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रीड। फिर क्या है नेक्स्ट, मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता, मींस आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास, मैं इतना थक गया हूँ कि अपने क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता, आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। फिर क्या है नेक्स्ट, उसकी परीक्षा कब से है, यानी व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन, मतलब उसका परीक्षा उसका एग्ज़ाम कब शुरू होता है। वही बोला गया है यहाँ पे कि उसकी परीक्षा कब से है, व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन। फिर क्या है, मैं इस वर्ष बीए पास कर लूँगा। अब देखिए बीए पास करे या फिर बीएससी पास करे, दोनों आखिर है क्या, बैचलर डिग्री अगर मिल रहा तो वो कहलाता है हमारा ग्रेजुएशन कहलाता है। तो मैं सीधा सीधा ये बोलूँगा ना कि आई विल बी या फिर आई शैल बी अ ग्रेजुएट दिस ईयर, कि मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका, मतलब कि आज मैं दिन भर इतना काम कर रहा था कि आज मुझे थोड़ा सा भी पढ़ने का मौका मिला ही नहीं। इसका मतलब वही बोला जा रहा कि आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका, यानी आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे, आई कुडंट स्टडी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पढ़ सका आज, मीन्स टुडे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ना तो आशा और ना ही उसकी बहन निरंतर विद्यालय आती है, मतलब ना तो आशा ही आ रही है विद्यालय यानी स्कूल और ना ही उसकी बहन आ रही है स्कूल रेगुलरली। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि नीदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली, ना ही आशा और ना ही उसकी बहन, दोनों में कोई नहीं रेगुलरली स्कूल आता है, सॉरी आती है। फिर क्या, मैं अवश्य पास हो जाऊँगा, मुझे अपने एग्ज़ाम पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो मेहनत किया था वो मेरा मेहनत रंग लाएगा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं अवश्य पास हो जाऊंगा, आई शैल डेफिनेटली पास। या फिर आप इसे फ्रेजल वर्ब में अगर बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, गेट थ्रू। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर इसके बदले में, गेट थ्रू भी बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने पिछली रात बड़ी रोचक पुस्तक पढ़ी, रोचक मतलब होता है इंटरेस्टिंग, यानी आई रीड पढ़ी, यानी क्या पास्ट का बात हो रहा ना, तो क्या हो जाएगा, रीड को रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, आर ई डी रेड पढ़ेंगे। आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात बड़ी रोचक किताब पढ़ी। फिर क्या है नेक्स्ट, वह हिंदी में कमज़ोर है, ही इज़ वीक इन हिंदी, या फिर कोई कोई हिसाब में कमज़ोर होता है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर होता है, तो ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ही इज़ वीक इन हिंदी। फिर क्या है, आजकल क्लास जल्दी लग जाती है, मीन्स क्लास सॉरी क्या है, क्लासेस स्टार्ट अर्ली नाउ इडेज, है ना, क्लासेस जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रही है आजकल, उसके लिए लिखा गया कि नाउ इडेज। फिर क्या है नेक्स्ट, हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, यानी वी हैव कम्प्लीटेड आवर स्टडीज, वी हैव कम्प्लीटेड आवर स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। फिर क्या है, तुम या तो उसे क्षमा मांग लो या फिर जुर्माना अदा कर दो, सही बात है, इधर यू बेग हिज पार्डन और पे द फाइन, सिंपल सा बात है, या तो तुम माफ़ी मांग लो या फिर तुम फाइन दे दो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, उसे कुछ नहीं आता जाता, मतलब कि ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ जानता ही नहीं है, ही डजेंट नो एनीथिंग। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, वो बुधवार से अनुपस्थित है, यानी शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस वेंसडे, इसे हम लोग वेंसडे पढ़ते हैं, ठीक है, कोई कोई इसे वेंसडे भी पढ़ता है लेकिन इसे एक्सेल में पढ़ा जाता है वेंसडे अंग्रेज की भाषा में, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस वेंसडे। फिर क्या है नेक्स्ट, मेरे पास अपना काम समाप्त करने के लिए समय नहीं था, यानी आई हैडन टाइम टू फिनिश माई वर्क,
आई हैडन्ट टाइम, यानी मेरे पास समय नहीं था टू फिनिश माई वर्क, मेरा अपना खुद का काम करने के लिए, समाप्त करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है, वाट डज इट मीन। वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है, मीन्स शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, ठीक है, कीन इंटरेस्ट मतलब अच्छी तरह मन लगाना। फिर क्या है, छात्रों का परिणाम कल ज्ञात होगा, यानी द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो, ठीक है, द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो, कि स्टूडेंट लोगों का जो रिजल्ट है वो कल प्राप्त होगा। फिर क्या, तुम परीक्षा में पास हो गए, आ भी गया रिजल्ट, यानी यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वेरी गुड। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, यानी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानती हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। उसे ही हिंदी में सजा कर क्या लिखा गया है, कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलनी जानती हूँ। फिर देखें नेक्स्ट क्या है, तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इन विच कॉलेज आर यू, ठीक है, इन विच कॉलेज आर यू, मतलब कि तुम किस कॉलेज में हो, या फिर हम ये बोले जैसे बचपन में पढ़ते थे, डू यू रीड इन विच क्लास, मतलब इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बोले थे ना, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। फिर क्या है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, यानी हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज़, ये देखिए एक फ्रेजल वर्ब है गेटिंग ऑन, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज़, कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। फिर क्या है, मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ, आई हैव बिन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बिन इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वह खेलों में बड़ा होशियार है, मतलब क्या, कि उसे खेल कूद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, ठीक है, ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन। अब यहाँ भी बहुत अंतर है फ्रेंड्स, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन जैसे यहाँ पे एस लग गया तो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, किसी समान को बताएगा गुड्स, तो क्या आया कि ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, मतलब कि वह खेलों में बड़ा ही होशियार है। फिर क्या बोल रहा, तुम्हारा सुलेख अच्छा नहीं है, सुलेख मतलब होता है हैंडराइटिंग, यानी योर हैंडराइटिंग इज़ नॉट गुड। फिर क्या है, पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो, कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट, मतलब कि आप अपने फ्रेंड से एक बुक लेकर आए अपने घर पढ़ने के लिए, फिर आपका क्या हुआ, आपका काम हो गया, फिर आप अपने फ्रेंड को बोले कि अपना बुक ले लो, तो वो आपको क्या बोल रहा, वो आपको यही बोल रहा है कि पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आकर ले लूँगा। तो उससे इंग्लिश में क्या बोलना है कि कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट, ठीक है, कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट, के बुक अपने पास ही रहने दो। अब देखते नेक्स्ट क्या, हमारा वह प्रायः स्कूल से भाग जाता है, यानी ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल, ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। फिर क्या है, आपका ध्यान किस ओर है, वाट आर यू लुकिंग एट, मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कि लड़को समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो, पर्चे मतलब होता है कि एग्ज़ाम का जो पेपर है, यानी बॉयज टाइम इज़ ओवर, हैंड ओवर योर पेपर्स, हैंड ओवर करना मतलब दे देना। फिर क्या है नेक्स्ट, बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो, यानी वाई डू यू स्पीक नॉनसेंस, होल्ड योर टंग, मुंह बंद करो, होल्ड योर टंग। फिर क्या है, मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है, यानी आई डोंट हैव स्पेयर पेंसिल, स्पेयर मतलब होता है फालतू, स्पेयर मीन्स क्या होता है, तो स्पेयर मीन्स होता है फालतू। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या हाजिरी लग गई है, यानी हैज़ द रोल बीन कॉल्ड, ठीक हैज़ द रोल बीन कॉल्ड। फिर क्या है, सब प्रयत्न में अब सफल रहे, यानी ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, सब प्रयत्न में असफल रहे। फिर क्या है, वह मुझसे 1 साल पीछे है, यानी ही इज़ जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। फिर क्या है, कि ही यह पर्चे किसने बनाया है, यानी हु हैज़ सेड दिस पेपर, पर्चे मतलब यहाँ पे पेपर का बात हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, कौन सा पेपर, तो एग्जामिनेशन पेपर का बात हो रहा। फिर क्या, स्कूल जाने का समय हो चुका है, यानी समय हो गया है, यानी इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। क्या है, क्या आपके पास कोई फालतू कॉपी है, डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज नोटबुक, डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज नोटबुक। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कि मुख्य अध्यापक ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया, यानी द प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हैं हेडमास्टर, एग्जेम्प्टेड माई फाइन, एग्जेम्प्ट मतलब होता है माफ़ करना, तो एग्जेम्प्टेड माई फाइन, कि मुख्याध्यापक ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया।
फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, उसे अंग्रेजी में विशिष्टता प्राप्त हुई है, मतलब कि ही हैज़ गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो अच्छा खासा मार्क्स लाई। फिर क्या है, बस खत्म हो गया फ्रेंड्स। सो थैंक यू, राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले।